नमस्कार, ट्राई सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही ग्रोवर और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से ट्राई सिटी के छात्रों ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले ऑब्जेक्टिव पेपर पर कंफ्यूज दिखे छात्र। चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद के परिवार के 7 लोग आए कोरोना की चपेट में, पत्नी और माँ को पीजीआई में कराया गया दाखिल। और चंडीगढ़ के एक्सिस बैंक से 4 करोड़ लूटने वाले सिक्योरिटी गार्ड हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने 4 करोड़ की नकदी भी बरामद की। चंडीगढ़ के एक्सिस बैंक से 4 करोड़ रुपए लेकर भागने वाले सुरक्षा गार्ड को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 34 के एक्सिस बैंक से सुनील नाम के सिक्योरिटी गार्ड ने रविवार देर रात 4 करोड़ 4 लाख रुपए चुरा लिए थे। सुनील को मंगलवार देर रात क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह सेखों की टीम ने पंचकूला के रायपुरानी से गिरफ्तार किया है। वहीं सुनील के पास से पुलिस ने तकरीबन 4 करोड़ रुपए नकदी भी बरामद किए हैं। फरार सुनील की सूचना देने वालों को चंडीगढ़ पुलिस ने 10,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा की थी। रविवार देर रात चौकीदार सुनील कुमार ने ड्यूटी के दौरान 2:50 पर ट्रंक को काटकर कैश निकाला था और फरार हो गया था। ट्रंक में करीब 4.5 करोड़ रुपए थे। मूल रूप से पंचकुला के मोरनी का रहने वाला और वर्तमान में मोहाली फेज 8 में रहने वाला सुनील पिछले 4 साल से इस ब्रांच में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था। हालांकि बैंक की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के जवान भी तैनात होते हैं, लेकिन किसी को भी सुनील की इस साजिश की भनक नहीं लगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी मीणा ने सुनील की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने मोबाइल भी अपने साथ नहीं रखा था। हालांकि इन 2 दिनों में वो कभी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा। इसी की मदद से पुलिस सुनील को मनीमाजरा के जंगलों के पास से पकड़ने में कामयाब रही। इस दौरान सुनील ने अलग अलग होटल में 70-80 हजार रुपए खर्च भी किए हैं। पुलिस ने यह भी पाया कि चोरी वाली रात को पंजाब पुलिस का गार्ड तैनात नहीं था। 32 वर्ष का आरोपी सुनील पहले एक टेलीकॉम कंपनी में भी काम करता था। को एक्सिस बैंक सेक्टर 34A ब्रांच है, उसमें आरबीआई करेंसी चेस्ट है जो एक्सिस बैंक मैनेज करता है। एंड उस करेंसी चेस्ट से कुछ पैसों की चोरी हुई थी। शक इनिशियली वहाँ का एक गार्ड था जो चोरी के बाद गायब हो गया था, उस पर था। तो इसके अकॉर्डिंग फिर FIR नंबर 60 दर्ज हुई थी पुलिस स्टेशन 34 में, और पुलिस फोर्स इस काम में लग गई थी कि जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व किया जाए। क्राइम ब्रांच की टीम ने इसमें सफलता हासिल की है, और जो गार्ड गायब हुआ था उसको पकड़ने में समर्थ हुई है। एंड जो पैसा चोरी करके ले गया था, वो जो हमको बैंक ने बताया था FIR में, उसको रिकवर करने में समर्थ हुई है। तो क्राइम ब्रांच का ये बहुत अच्छा कैच है कि हमने जल्द ही, जिससे पहले वो चोर अपने पैसे को कहीं इधर उधर कर देता और या इस तरीके से कर देता कि उसकी रिकवरी ना हो, उसको पकड़ के और जो चोरी हुआ है उसको रिकवर करने में समर्थ हुई है टीम। गार्ड जो था वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का गार्ड था जो एक्सिस बैंक ने एम्प्लॉय कर रखा था, एंड उसी ने रात को चोरी करी थी ये, एंड वही इसको लेके भाग गया था। उसने अपना मोबाइल फ़ोन और जो भी नॉर्मल तरीका होता है किसी को पकड़ने का, वो सब इंश्योर किया था कि इस तरीके से पकड़ा ना जाए। तो वो बहुत ज़्यादा किसी के टच में भी नहीं था, और उसने अपना मोबाइल फ़ोन सिम विम सब डिस्कार्ड कर दिए थे। इसके बावजूद क्राइम ब्रांच की टीम है, उसने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, जो हमारा अक्यूज था वो सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव था, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से कुछ की इन्फॉर्मेशन निकाली जिससे कुछ चीज़ें पता लगी कि ये इस एरिया में हो सकता है। फिर उस एरिया में जाके एक वो जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है कि पूरे एरिया की छानबीन करना, वो करते हुए क्राइम ब्रांच ने ह्यूमन इंट जनरेट की, और इस ही इंट की वजह से ये सफलता क्राइम ब्रांच को मिली है। मैं मेरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बिकॉज एक होता है कि आप किसी आदमी को कहीं वहाँ घर पे बैठा है उसको पकड़ लो या उसके मोबाइल ट्रैकिंग से पकड़ लो, लेकिन जब ये दोनों ही चीज़ ना हो और फिर किसी आदमी को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, जो एक क्राइम ब्रांच ने करके दिखाया है। इसके अलावा जो भी एक एक रुपए का हिसाब लिया गया है, एंड सारी चीज़ को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है।
मेरी तरफ से यही है, आपके कोई क्वेश्चन सर, इसको कहाँ से अरेस्ट किया है, जो अमाउंट है वो इसके पास ही थी या इसने कितनी छुपाई थी, कितनी अमाउंट चोरी करी थी इसने? जब हम इसकी पूरी सर्च करने के लिए एक जमा रखा था हमने, तब हमें इंट मिली थी कि ये जो मनी माजरा है उसके जंगलों की तरफ वहाँ आ सकता है ये। अकॉर्डिंगली हमारी काफ़ी टीमें लगी हुई थी, एक टीम वहाँ पे थी क्योंकि हमें इंट थी तो उसको वहाँ स्टेशन कर दिया गया था, तो वहाँ से इसको पकड़ा गया है। ये जब पकड़ा गया तो इसके बैग में 3.14 लाख, 3,14,000 थे। फिर बाद में पूछताछ करके इसने जहाँ छुपा रखे थे वहाँ से बाकी रिकवर किए गए हैं। कितनी अमाउंट थी टोटल चोरी की गई? टोटल इसने चोरी किया था 4,04,00,000। ये करेंसी चेस्ट था, करेंसी चेस्ट होता है जो बाकी बैंक ब्रांचेज है उनको कैश सप्लाई करता है। करेंसी चेस्ट पे पुलिस का गार्ड भी होता है। एक्सिस बैंक की ये जो सेक्टर 34 की करेंसी चेस्ट थी, इस पे थर्ड IRBN पंजाब पुलिस का गार्ड थे, एंड कायदे से वो वहाँ पे रात को भी गार्ड होने चाहिए थे। कुछ लापरवाही थी जो हम पंजाब पुलिस के साथ टेकअप करेंगे। एंड दूसरी बात है कि कुछ लापरवाही एक्सिस बैंक की भी थी, क्योंकि जो RBI के नियम होते हैं करेंसी चेस्ट के, उनको भी थोड़ा फ्लाउट किया गया था। वी आर लुकिंग इन टू everything, एंड इसमें जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में आता जाएगा कंसर्न्ड एजेंसीज को हम बता देंगे कि ये दिक्कत है। किसी के इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने आई है? अभी तक इसको आज अरेस्ट किया है हमने, इससे पूछताछ की जाएगी एंड पुलिस कस्टडी में भी पूछताछ की जाएगी। प्लस इसने कुछ नया मोबाइल वोबाइल खरीदा था, अब कहीं होटलों में रहा था ये, तो वो सब किया जाएगा, तब हम ज़्यादा क्लियर बता पाएंगे कि किसी के इन्वॉल्वमेंट थी। इसने एक्चुअली अपने कुछ, ये घर तो गया नहीं था, तो होटलों में अपनी इसकी मोटरसाइकिल कुछ ख़राब हो गई थी, उसके रिपेयर में इसने कुछ नया मोबाइल फ़ोन भी खरीदा है बता रहा है ये ऐसा, तो वो सब में इसने कुछ पैसे खर्चे हैं, कुछ आई थिंक 70-80 हज़ार के आसपास इसने खर्च दिया है। CBSE बोर्ड की 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है, वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा जून महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ एक अहम बैठक में देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच बोर्ड की परीक्षा की संभावनाओं पर चर्चा की, जिसके बाद परीक्षाओं के बारे में ये अहम फैसला किया गया है। 10वीं की कक्षा के छात्रों के नतीजे बोर्ड द्वारा बनाए गए एक ऑब्जेक्टिव स्तर की परीक्षा के आधार पर निकाले जाएंगे। अगर किसी छात्र या छात्रा को इस आधार पर मिले हुए अंकों से संतुष्टि नहीं होगी, वो छात्र कोरोना की स्थिति संभलने के बाद परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए केंद्र सरकार फिर से 1 जून को रिव्यू मीटिंग करेगी, जिसमें परीक्षा के आयोजन पर फैसला किया जाएगा। CBSE की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से होने वाली थी। चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद के परिवार के 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अरुण सूद की मां और पत्नी अंबिका सूद को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें PGI में भर्ती करवाया गया है, जबकि अरुण सूद और उनके भाई की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अरुण सूद ने कहा कि उनके दोनों बच्चों और पिता को भी कोरोना संक्रमण हुआ है। हालांकि अरुण सूद और उनकी पत्नी सहित माता पिता ने भी कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई थी। भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद की पत्नी अंबिका सूद इससे पहले भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं, वहीं अरुण सूद की भाभी और उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। भाजपा के महासचिव रामवीर भट्टी ने सभी कार्यकर्ताओं को अपील की है कि जरूरत होने पर ही पार्टी कार्यालय में आए। उन्होंने कहा कि कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए कार्यकर्ता घर पर ही रहें, बिना किसी काम के पार्टी कार्यालय में ना आए। ट्राईसिटी के लोगों के लिए कोरोना से जुड़ी खास जानकारी है। पंचकुला और चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा और मोहाली में वही समय है, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, यानी पंजाब में नाइट कर्फ्यू के समय में कोई बदलाव नहीं है। बता दें, पहले PGI चंडीगढ़ की फिजिकल OPD को बंद कर दिया गया था और अब GMCH सेक्टर 32 की OPD को बंद कर दिया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल GMCH 32 द्वारा जारी किए गए नंबर्स हैं, जरूरत पड़ने पर इन नंबर्स पर कॉल करें। पीडियाट्रिक एंड न्यूनटोलॉजी लैंडलाइन नंबर है 2501002, मोबाइल नंबर है 9517771742, गायनी नंबर है 2501004, मोबाइल नंबर है 9517771744, ENT लैंडलाइन नंबर है 2501006 और मोबाइल नंबर है 9517771746, कार्डियोलॉजी
लैंडलाइन नंबर है 2501009 और मोबाइल नंबर है 9517771750। ये भी जानकारी दे दें कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन आज से बंद कर दिया गया है और सुखना लेक चंडीगढ़ में वीकेंड्स पर शनिवार और रविवार को जाने की पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के कोरोना संक्रमण के नए मामलों में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए खट्टर सरकार की तरफ से जहां नाइट कर्फ्यू समेत और अन्य सख्ती बढ़ाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने यह साफ कर दिया है कि राज्य को किसी भी सूरत में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब की बार सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, साल भर का कोरोना से निपटने का अनुभव है, ऐसी सूरत में अब हरियाणा को लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों में पहले की तरह गंभीरता नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, कल एडिशन चीफ सेक्रेटरी होम और हेल्थ को आदेश जारी किया है कि वे अपने विभागों में कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करवाएं ताकि लोग उसका पालन करें। उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, हम चाहते हैं कि जिंदगी चलती भी रहे और जिंदगी बचती भी रहे। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और उसको रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा, कोई भी नॉन एसेंशियल मूवमेंट को इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ की हैं, रेल की हैं, पुलिस की हैं, उनको इजाज़त होगी और इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। पूरी तरह से अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि इसको सख्ती से लागू किया जाए। नहीं नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कर्फ्यू सबके लिए है। मैंने बता दिया कि जो असेंशियल हैं उनको देंगे और नॉन असेंशियल को नहीं देंगे। इंटर स्टेट जो मूवमेंट है उसको हम अलाउ करेंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं डालेंगे। नहीं, किसी प्रकार का हमारा फैसला है, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जिंदगी भी चलती रहे और जिंदगी बचती भी रहे। इसलिए कोई किसी में प्लान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे कारोबार यथावत चलेंगे, इंडस्ट्रीज भी यथावत चलेंगी। जो नाइट शिफ्ट के हैं वो कर्मचारी 9 बजे से पहले अपनी फैक्ट्री में पहुंच सकते हैं और सुबह 5 बजे के बाद वो छुट्टी कर सकते हैं, इसीलिए कहीं पर कोई विघ्न पैदा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि कारोबार काम धंधे वैसे ही चलते रहें और थोड़ा सा लोगों के ऊपर इसका असर भी रहे कि इतनी भयंकर बीमारी फैली हुई है और हम इसके लिए चौकस रहें। हम इसके और भी हमने आदेश दिए, हमने लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगाई है कि जो इनडोर है वो 50% जो हाल की कैपेसिटी है या मैक्सिमम 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, आउटडोर 500 लोग इकट्ठा हो सकते हैं और फ्यूनरल में 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने कल आदेश जारी किए हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल बॉडीज़ को कि वो अपने अधिकारियों के माध्यम से जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें लोगों से। हम कोई लॉकडाउन नहीं करना चाहते हैं, हम सख्ती से बीमारी पर नियंत्रण करना चाहते हैं।
हरियाणा में खट्टर सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति से इंकार किया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज साफ किया कि कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ पाबंदियों को सख्त बनाया जाएगा। इससे पहले जब हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, तब कयास लगाने लगे थे कि हरियाणा भी लॉकडाउन का ऐलान कर सकता है, लेकिन इन शंकाओं को दूर करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा दूसरे लॉकडाउन में नहीं जाएगा और लोगों को रोजी रोटी कमाने से नहीं रोका जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि हरियाणा कोरोना जांच के मामले में देश में नंबर एक पर है। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने पिछले साल नवंबर महीने से चल रहे किसान आंदोलन के बारे में कहा कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से बातचीत के लिए सीनियर मिनिस्टर की टीम बनाएं। हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर ने आज हरियाणा विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 130वीं जयंती पर उनका नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राई सोनीपत में दो छात्रावासों का भी उद्घाटन किया। ये छात्रावास 17 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से बने हैं, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद और अहिल्याबाई छात्रावास। संविधान निर्माता की जयंती पर हरियाणा के सीएम ने नागरिक समाज से छुआछूत असमानता और जातिवाद को खत्म करने की अपील की। पंचकुला में अदानी ग्रुप द्वारा घरेलू गैस उपलब्ध करवाने के लिए पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है और साथ ही सीएनजी पंप पर सीएनजी गैस उपलब्ध करवाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस अवसर पर हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा आज पंचकुला के सेक्टर 15 में से घरेलू गैस पाइपलाइन सप्लाई और सीएनजी गैस सप्लाई कार्य के शुरुआत का शुभारंभ किया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आए दिन गैस सिलेंडर लीक होने से होने वाली घटनाओं की सूचनाएं सुनने को मिलती हैं और उन्होंने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में भी पंचकुला के लोगों से वादा किया था कि घर बैठे गैस उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस गैस पाइपलाइन से हर घर को पूरी गैस मिलेगी, जबकि पहले गैस सिलेंडरों में कम गैस होने की शिकायतें भी लोगों की होती थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और साथ ही पंचकुला में 3 CNG पंप भी खुलने जा रहे हैं और यहां से सभी CNG पंप को वाहनों के लिए CNG उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर देश व प्रदेश के वासियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को लिखने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सभी वर्गों के लोगों के लिए एक समान संविधान की रचना की है और ऐसा अनूठा संविधान पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच थी कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब व्यक्ति की भी मदद की जानी चाहिए। देखिए, आज पंचकुला शहर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन पंचकुला के अंदर जो सीएनजी गैस है और दूसरी हमारी जो पाइप के अंदर गैस जो है, जो हमारी एलपीजी थी, वो गैस अब पाइप के माध्यम से सभी घरों के अंदर जाएगी और जिसका बहुत बड़ा लाभ पंचकुला के रेजिडेंट्स को होने वाला है। रेगुलर सप्लाई बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के मीटर्ड सप्लाई, और फिर कई बार जब सप्लाई आती थी ग्राहकों को, कंज्यूमर को ये शिकायत रहती थी कि हमारा सिलेंडर कम आया है, वेट कम आया है, या कुछ पैसे अधिक चार्ज किए गए, या इसके अलावा कई बार एक्सीडेंट भी होते थे। आपको याद है कि सेक्टर 10 के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट उस गैस के कारण हुआ था, जहां सिलेंडर फटने से 7 लोगों की डेथ हो गई थी। आज मैं समझता हूं कि इन सभी चीज़ों से हमारे पंचकुला वासियों को छुटकारा मिलने जा रहा है और जैसे सप्लाई पानी के मीटर से सप्लाई होता है, पानी आता है, मीटर जो है सप्लाई है, वो गैस की सप्लाई जो है आज घरों के अंदर होने जा रही है। और जो सीएनजी गैस आ रही है, 3 पेट्रोल पंप जो हैं उनके ऊपर सीएनजी स्टेशन बनने जा रहे हैं। उन स्टेशन के ऊपर जो हमारे सीएनजी व्हीकल्स हैं, वो व्हीकल सीएनजी की सप्लाई ले सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो एक पॉल्यूशन की दृष्टि से आज चाहे वो 3-व्हीलर हैं, चाहे हमारी गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों के सीएनजी होने से पोल्यूशन के अंदर बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से सरकार की तरफ से आज ये सप्लाई की जा रही है, और दूसरा हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर एक वायदा किया था कि हम पंचकुला को पाइप गैस सप्लाई करेंगे, आज वो हमारे मैनिफेस्टो का एक बहुत बड़ा वायदा जो है आज हमने पूरा किया है और सीएनजी गैस और ये जो पाइप गैस है उसका उद्घाटन हुआ है और 1 महीने के अंदर 3 पेट्रोल पंप के ऊपर सीएनजी गैस अवेलेबल होगी और लगभग 6 महीने 8 महीने के पश्चात काफ़ी एरिया के अंदर धीरे धीरे ये जो
पाइप गैस है इससे पहुंच जाएगी। कहाँ कई जगहों पर जो एलपीजी गैस पाइप लाइन भी बिछी है वहाँ कई हादसे भी हुए हैं, उनको देखते हुए किस प्रकार से जो सुरक्षा भी नहीं देखिए बात ये है, सुरक्षा की दृष्टि तो मैंने कहा एट प्रेजेंट जो सिस्टम है उसके अंदर हादसे ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि गैस की लीकेज, कई सिलेंडर आते हैं लीकेज होती है घरों के अंदर, जो गृहणियाँ हैं उनको हादसा होने का खतरा रहता है, सिलेंडर हर रोज़ हम देखते हैं कि सिलेंडर फट जाता है, इन सभी चीज़ों से हमें छुटकारा मिलेगा, राहत मिलेगी। आज नाभी सिंह अपना अगला ट्रैक ड्रीम गर्ल के लॉन्च इवेंट पर जानी मानी मॉडल अमनप्रीत कौर के साथ चिटचैट सेशन के लिए चंडीगढ़ प्रेस क्लब पहुंची। जीकी मीडिया द्वारा निर्मित म्यूजिक वीडियो दर्शकों को गोवा की रोमांटिक सैर कराएगा। वीडियो सॉन्ग को पब्लिक मांग पर रिलीज किया गया क्योंकि इसका ऑडियो ट्रैक जिसे 2 अप्रैल को जारी किया गया था उसको सोशल मीडिया पर दर्शकों से भारी प्रतिक्रिया मिली। वीडियो ट्रैक में गोवा के रोमांटिक लोकेशन में नाभी सिंह और अमनप्रीत कौर शामिल हैं। ये गीत पहले ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया था क्योंकि इसके सिग्नेचर स्टेप्स कुछ समय में ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इंस्टाग्राम रील्स पर 2.5 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। ड्रीम गर्ल की रिलीज के बाद से सोशल प्लेटफॉर्मों पर उसकी फैन फॉलो में लगभग 600% वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा नाभी सिंह इस हफ्ते के शीर्ष 30 कलाकारों में शामिल हो गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर हैं। हाल ही में इन्होंने महान गायक स्वर्गीय श्री सिकंदर जी को एक इमोशनल ट्रैक असी जिसने दुनिया छोड़ दी थी के साथ श्रद्धांजलि दी थी। इस गाने को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दर्शकों से बहुत प्यार मिला था। पंजाबी उद्योग में दर्शकों से काफी प्रतिक्रिया मिलने पर उन्होंने दर्शकों का आभार व्यक्त किया। नाभी कुछ और ट्रैक लाने के लिए तैयार हैं जिनमें 3 गाने पाइपलाइन में हैं जिसमें से एक देसी क्रू के साथ है जबकि एक गुलेज के साथ है। और इस बीच व्यूअर्स जिकी मीडिया के यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं और ड्रीम गर्ल के साथ गोवा की रोमांटिक सवारी कर सकते हैं। कहानी ये है जी, असी बैठे सी स्टूडियो च सारे जने, गाना दरअसल कोई होर प्लैन हो रहा सीगा ते ए जिहड़ा मुंडा जिक्र उन्हें लिखिया वह मैनू कहिंदा भाजी एक मैं थोड़ा गाना सुनाना मैं बनाया गा ते मैं कहा सुनाओ वीरे। उन्होंने जो सुनाया तो सानू गाना जिहड़ा असी कर रहे प्लैन उस तो सानू ज़्यादा वधिया लग्गिया गाना है। असी कहा वो रखता सी साइड ते सीगा चल पहला ये करांगे सी गाना ते बड़ा वधिया सारा ने बहुत मेहनत की। चीता मुंडा म्यूजिक डायरेक्टर जो उन्होंने बहुत मेहनत की, साड़ी जिकी मीडिया की सारी टीम ने बहुत मेहनत की। बाकी प्लैनिंग यदि कुछ नहीं सी, सिर्फ इदा ही सीगा गाना कोई होर प्लैन हो रहा है। असी एट ए टाइम ही जिमें कह दी भी माहौल ही चेंज हो गया भी चलो यही गाना पहला करांगे तो हूँ जो अभी पहला कर लगे उन्होंने दूसरा किया है गाना। ओ की मंगे दस ला दा लैन गोरी ए तेन तकने दे उत्ते ला दा बहन गोरी ए तेरे बिना बिंद मेरा सरदा नहीं मुंडा तेरे लिए होया या डिजाइन गोरी ए ऐसी अखा नाल वाकिफ होया होया पहली बार जीनू तक दे रूह नू सुकून आ जावे पो माग दियां धुंदा विच घूमदा आ वार तेनू वेख दे महीना जिवें जून आ जावे सुकून आ जावे मेरा मून आ जावे तेनू वेख दे महीना जिवें जून आ जावे। ड्रीम गर्ल है जी च कुड़ी अमनप्रीत कौर बहुत अच्छा काम किया मॉडल साड़ी बॉम्बे तो ने बहुत मेहनती ने बहुत सोहना काम किया इन्होंने। मैं सर बेसिकली मैं मानसा तो बिलोंग करदा इस टाइम इंडस्ट्री असी सामी हुई है मानसा वाले ने गाने की शूटिंग हुई है जी अपना गोवा दे विच ते गोवा च काफ़ी सारिया लोकेशन वैसे तो गोवा असं फलवा नहीं सके क्योंकि साढ़े को इन्ना टाइम नहीं सीगा तुर फिर के जिन्ना भी साढ़े तो हो सकया असी उन्ना कैप्चर करने की कोशिश की थोड़ा कुछ इनडोर भी सीगा दा तो आउटडोर का प्लैनिंग उत्थे घट सी गर्मी बहुत ज़्यादा होंदी तो शूट करना बहुत औखा सीगा। नहीं जी मेरे इस तो पहला भी गाने आए हुए नेगे 5-6 ट्रैक मेरे आ चुके ने इस तो पहला भी तो यह जिकी मीडिया नाल मेरा पहला ट्रैक असी हुणी शुरुआत की है सारी टीम ने मिलकर बाकी देखो तुहाडे साथ नाल तुसी साथ दोगे तो सब कुछ हो जाऊ मेहनत करदे जी आपां मेहनत सब तो वड्डी गल है जी। देखो नहीं नहीं सर मेरा यह 7वां ट्रैक है जी मेरा 7वां ट्रैक है हाँ जी जिकी मीडिया नाल मेरा पहला ट्रैक मेरे तो सारे मशहूर ने मेरे वास्ते तो जी बाकी जेड़ा मेरे मेरे दिल के करीब है जेड़ा वह एक मेरे जही मेरा आया सी गाना कनिका मान होनी सी उस तो ड्रू मेकरस ने वीडियो किया गैक्स भाई ने म्यूजिक किया बहुत दिल के करीब है मेरे गाना तो वधिया भी उहदा रिस्पोंस बहुत ज़्यादा वधिया रहा पर ड्रीम गर्ल का रिस्पोंस ज़्यादा हाँ जी ए वायरल असी एक स्टैप किया गोवा दे विच असी इदा ही मतलब मस्ती मजाक ही कर रहे भी चलो कुछ बनाने है ना कुछ स्टैप बनाने एक भी आप हाँ जी हाँ जी हाँ जी
ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਫਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਡਾਂਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੰਗੜੇ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਖੜਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲ ਸਟੇਅਰਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਹਣਾ ਰਿਹਾ। तो ये था हमारा आज का ट्राइसिटी बुलेटिन, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं, नमस्कार।